प्रिय कहिए स्वामी। अरे हम लोग तो भगवान की भजन में बिल्कुल मस्त रहे, लेकिन प्रिय ये बताओ अपना चेला कहाँ है? स्वामी दिखाई पड़ा है? वो तो हमेशा ही लापता रहता है। अरे प्रिय मैं क्या बताऊं, उसको इतना समझाता हूँ, इतना कुछ बताता हूँ, लेकिन उसको एक पैसे का ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रिय स्वामी आवाज लगाइए, कहीं होगा, अगर सुने तो जरूर आएगा। वो हमेशा हमें तुम्हें छोड़कर घूमता ही रहता है। अरे चेला राम दीदास आए गेरू महलो। लो देखो पागल, हरिओम हरिओम, जय हो गुरु गोरखनाथ की। अरे पगले, गुरु गोरखनाथ बोला जाता है? क्या गोरखनाथ? हम गोरख गोरख गोरखनाथ, ये हमसे बनबाई ना कर। अरे तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करें? अब कहा अलोक निरंजन, ये बात ये बात, एक लाख डब्बा सवाओ लाख इंजन, बड़ा मूर्ख आदमी है ये, आगे आगे डब्बा पीछे पीछे इंजन, पागल कहीं। अच्छा सबसे पहले तू ये बता, हाँ, कि हम लोगों का साथ छोड़कर तू कहाँ चला गया था? नहीं नहीं, हमका चूतिया समझ ले का? क्यों बच्चा कहो, हमका दुनिया छोड़ के दोनों प्राणी काजनी का उन्हीं का उन्हीं गली के भाग गया, तो का हम बावनों जिला तक हेरा था। अरे कहाँ ढूंढ रहा था, कहाँ था तू ये बता पहले। हम बम्बई घूमे, दिल्ली घूमे, तो गंगा कैसर वाले झिया गए, तो का हेर रहे पुलिस शर्मा से पूछे ना ही मिला, पहुँचे सुल्तानपुर। अच्छा अमेठी पहुँचे? अमेठी पहुँच गए, हमका मिल गया श्याम पान भंडार बिहार वापिस अमेठी वाले। अच्छा अच्छा, हाँ उनसे तो मुलाकात हुई थी हमारी। हम कहे भैया, हाँ? हमारे बाबा बाबा इन दिखाए, ठीक कहे भैया भाई जाते यहाँ इसे अगवा अगवा। हाँ हाँ भाई उनसे मुलाकात हुई थी आते थे। पिछवाई इन बाबा। अच्छा पहुँचे तो एक दुकान पे कट खट खट होता रहा। अरे पगले तू मिस्त्री की दुकान पे जो लक्कड़ का सामान बनाते हैं उसकी दुकान पे पहुंच गया? नहीं भाई विश्वकर्मा नहीं रहे। तो कौन था वो भाई? कावा खट खट होता है पीछे देखे तो तसाला। अरे बाबा, अरे क्या काम हो रहा था हमारे? का बताए मुझे राज टपका याद। क्या अरे पगले कुछ बताएगा? जवन जवन नल्ला रहा रहा। क्या है नल्ला रे? हम कहे का भैया यार वहां देखे तब तक खड़ा हो गया, हमारा पकड़े नल्हे का अलग। कौन पकड़ लिया? रहमान और अहमद चिकवा। रहमान और अहमद चिकवा दोनों भाई मिल गए। अच्छा ये बता है? उनसे तुम्हारा क्या लेन देन था जो तुम्हें पकड़ लिए हो? यह तो कही हमसे हमसे कहा बोले कहीं कहा हो तो हो जाए बाबा बाबा इन कहाँ गए? तो पता ही नहीं कि भंडारे में आज है, भंडारा वहाँ गए हैं। सब कुछ कहे है? कहें संदेश दे दिया। क्या ले? कहे 15 दिन भवा है? आधा किलो मीठा एक कलेजी ले गए, पैसा ना ही दे। नारायण नारायण नारायण। प्रिय इस कमीने को अपने साथ में अपने नहीं रखेंगे हम। जवाब जाती रहे हम। क्यों तुम्हें रहने नहीं देंगे साथ में? कहो खाद दूध भी पराने कर्जा हम भरी। बच्चा बड़ा पागल आदमी है, बड़ा मूर्ख आदमी है। क्यों रे? हाँ। अरे हम लोग संत महात्मा है, संत पुरुष है, तो मांस मदरा का नाम नहीं लेना चाहिए बच्चा। पाप होता है बच्चा नाम लेने से। ये सब पाप है। ये पाप होता है मांस मदरा का नाम लेना। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। बाबा हो क्या बच्चा, जब से तोहरे साथे रहा लागे कहा बताई कि बुआ 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 बुआ। पागल क्या है बुआ बुआ बे? बाबा। हाँ बाबा बबाइन। हाँ बाबा बरबराइन। हाँ बबाइन बाबा बबाइन। हम कही बरबराइन कि बाबा मोरी देहे भाई भारू, हम का चाही दुई मेहरारू। क्यों रे पागल मूर्ख कहीं के, जब हम लोग संत महात्मा संत पुरुष हो गए हैं तो हमें नारी और औरत की क्या जरूरत है? हाँ तो होकर जरूरत यह है, हमका जरूरत नहीं ना कहो, तू इनका भैया आई दिया। ऐसा मूर्ख बच्चा है तू, दुई मेहर मतलब समझिया? हाँ बोल क्या समझू। क्या वही जाई बिछावई का खटिया, एक चाही थाम है का लठिया। अब तुम्हें ज्ञान कुछ ना कुछ हो रहा है। हो रहा है ज्ञान। हाँ हाँ। बाबा हो क्या है? एक बात और कहवैया है। क्या बाबा हो? अरे कुछ बोलेगा तो तुहार तो लहान लहाता है। कैसा समझा तो नहीं कहा तू?
अरे तू कुछ बताएगा तो तेरे दिल की बात में जय जगबंधन प्राण माता बरसत में हा देहु मोहे छाता। अब आ रहा है लाइन पे, तू आएगा आएगा। एक बात बताई बाबा, एक चीज सुनते हमारे कहा मान लेते हैं। अरे तो बता तो सही, अगर मानने काबिल होगी तो तेरी बात क्यों नहीं मानेंगे हम। तू सबे रतिया मढ़िया बोलिया जात रतिया भरे में काज निका बार 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 भूस 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 भूस। ये इतना पागल आदमी है क्यों रे? अरे हमारा तुम्हारा काम क्या है? अपना खाना पीना जो कुछ हुआ व्यवस्था खाए पिए, नहीं तो भगवान की भजन करना, भगवान का सुमिरन करना, यही अपना काम है, यही कर्तव्य होता है। अरे तो रतिया पे भजन करा सिया। अरे तो कौन सा काम तुम्हें करना है? करना चाहिए। 11 बजे फाटक बंद कर दिया झोपड़ी वाला, रतिया पे काज निकाल भूसूर 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 भूसूर। इसीलिए तो तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है पागल कहीं के। हम जान रहे राम का नाम ले थे, एक हाथ जोड़ के विनती है बाबा। क्या जिसे आप सबका लहान लहाता है बाबा। अति कबीर सुना भर भंडी बाबा हम कालावर। नारायण नारायण, इतना पागल इतना मूर्ख आदमी है, निकल जा कुटी से। मैं तुझे रहते नहीं दूंगा साथ में कुटी में। जबरदस्ती है वो फरहान के होते, तुम्हें भगा के छोड़ूंगा। कैसे भगाऊंगा यार? यार बावला जाता है बाबा जी को। नहीं बाबा 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 पागल है, पागल है, मूर्ख आदमी है बाबा। मैं तुझे कुटी में रहने नहीं दूंगा, अपने साथ में रहने नहीं दूंगा। काहे? परवान जोदे, तुझे कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है तो साथ में रहकर क्या करेगा? हो जाए बाबा ज्ञान। अबे कितना दिन भवा हमका ज्ञान ले, 20-22 साल तो भवा। अरे पगले, तुम्हें क्या नहीं समझाया जाता है? निर्गुण बताया जाता है, भजन में समझाया जाता है, लेकिन तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा तो क्या करें? साथ में क्यों रखेंगे तुम्हें? मजे मजे ज्ञान हो जाए बाबा। देखो राम जी दास महाराज, आज मैं तुम्हें और प्रिय को उपदेश देना चाहता हूँ। कौन सा देश? उपदेश देश नहीं, उपदेश उपदेश उपदेश। हाँ कौन सा उपदेश गुरुदेव? उपदेश ये देना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या चीज होता है? सबसे बड़ा पाप जी क्या होता है राम जी दास? बाबा दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना। सीताराम सीताराम राम जी दास, इस पृथ्वी पर झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को। बहुत अच्छा बाबा। और दूसरा उपदेश ये रहा कि किसी पशु और पक्षी को सताना। राम जी दास ये जानते हो कि हम लोग इंसान हैं। हाँ ठीक है जी। और पशु और पक्षी बिचारे ना बुल से मुंह से बोल सकते हैं, ना अपना दुख दर्द किसी को बता सकते हैं, इसलिए पशु और पक्षी को सताना महापाप होता। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो गुरुदेव। और तीसरा उपदेश प्रिय तुम्हारे लिए खास करके। मेरे कौन से उपदेश है प्रिय? तुम्हारे लिए ये उपदेश रहा कि प्रिय तुम अपने भविष्य काल में किसी को अपने मुख से श्राप नहीं दोगी। देख हो तो हम इनका दिहू क्या वही सारा बिया शराब दादी। मूर्ख तो मूर्ख का मूर्ख रह जाएगा, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। शराब नहीं बच्चा, मैं श्राप की बात कर रहा हूँ। श्राप है त्योहार भला करे, हम कहीं शराब का हाला। प्रिय तुम्हारे लिए मुख करके ये उपदेश है कि अपने मुख से किसी को श्राप नहीं दोगी। प्रिय अगर अपने मुख से किसी को शराब दे दोगी, अगर वो शराब तुम वापस लेना चाहती हो तो प्रिय बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम इस संसार में जीवित नहीं रहोगी। बच्चा रामदास गुरुवाई याद रखना। ठीक है बाबा जी का उपदेश, हमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन स्वामी, प्रिय मेरी प्यास बहुत तेज से लगी हुई है। ये आपको प्यास लगी है? हाँ। लेकिन यहाँ तो पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है। हाँ गुरुदेव प्यास तो मेरे भी लगी है। देखो ऐसा है कि वो जो देखो तालाब दिखाई पड़ रहा है सामने, उधर सामने, ठीक है जी। और आप लोग चलिए उसी वृक्ष के नीचे बैठिए। हाँ हाँ। और हम जाएंगे वहाँ से पानी लाएंगे, उसके बाद वृक्ष के नीचे आएंगे, सब कोई बैठेंगे और बैठकर पानी पावन करेंगे,
फिर उसके बाद भगवान का भजन करेंगे, करेंगे भगवान का सुमरण करेंगे। धन्य हो गुरुदेव। ठीक है, चलिए गुरुदेव। काहे प्यारी तोरी पाती, काहे प्यारी तोरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी तोरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी तोरी, काहे प्यारी तोरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी तोरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी तोरी पाती। जात हमारी काट कठीली, ओरे पोरे पर गाती, जात हमारी काट कठीली, पोरे पोरे पर गाती, फूलत है बसवा, काहे प्यारी तोरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी तोरी, काहे प्यारी तोरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी तोरी। अंधे को मैं राह बताऊं, नाम हमारो पड़ो लाठी, हो लाठी नाम हमारो पड़ो लाठी। अंधे को मैं राह बताऊं, नाम हमारो पड़ो लाठी, हो लाठी नाम हमारो पर। बसवा, काहे प्यारी तोरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी। द्वारपाल जी, राजकुमार जी, देखिए काफी दूर परेशान हुए, इस बियाबान जंगल में कहीं कोई शिकार नजर नहीं आया, तो क्या सोच रहे हैं? और सूर्य अस्त होने को हो गया है और खाली हाथ वापस कैसे चले जी? आज शेर बाघ चीता नहीं मारना है राजकुमार जी। तो क्या मारोगे? आज मारना है तो लोमड़ी। लोमड़ी मार क्या करेगा? लोमड़ी खाल की खंजड़ी बनेगी। खंजड़ी यानी सन्यासी बनने जा रहे हो? अब क्या सोच रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, शाम का वक्त हो रहा है और पिताजी का आदेश था कि शाम के पहले राजभवन वापस आ जाना। तो ये तालाब दिखाई दे रहा है और ये शाम के वक्त जंगली जानवर पानी पीने जरूर यहाँ पर आएंगे। जी हाँ। तो छुप कर किसी झाड़ में बैठा जाए, हो सकता है कोई शेर मृग चीता जो भी आए, अगर मिल जाएगा तब तो शिकार लेके चलेंगे, नहीं तो वापस चल जाएंगे। बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ो, उस तालाब के किनारे छुप करके झाड़ी में बैठ करके इंतजार थोड़ी देर और किया जाए। चलो राजकुमार आइए। We'll be right back.
रंजन, मेरी प्रिय, मेरा चेला, बहुत ही प्यासे होंगे और चलता हूँ पानी लेकर जाऊंगा, फिर पानी पावन करेंगे, फिर बैठकर भजन करेंगे भगवान के। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई। जब कपट कतरनी चलती रही, जब कपट कतरनी चलती रही, तब माला घुमाए का होई। हो भैया माला घुमाए, काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन, अब चालक कहाँ है का होई। काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन, अब चालक कहाँ है का होई। जब एक्सीडेंट तू कर ही चुका, जब एक्सीडेंट तू कर ही चुका, तब हारन बजाए का होई। हो भैया हारन बजाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई। मथुरा को गए जब तीर्थ नहाए का होई। काशी गए मथुरा को गए जब तीर्थ नहाए का होई। जब पाप की खोपड़ी फोड़ चुको, जब पाप की खोपड़ी फोड़ चुको, तब पिंडा पराए का होई। भैया द्वारपाल, देखिए एक हिरण जो है वो तालाब के किनारे आया है और मैं गोली मारने चला हूं, लेकिन उधर जान न पाए। चलता हूं पानी लेता हूं प्रिय। द्वारपाल राजकुमार जी, बाबा ये तो बड़ा गजब, बड़ा गजब हो गया। गोली हिरन पर चलाई गई लेकिन हिरन निकल गया, गोली तो एक महात्मा के लग गई। ये तो बड़ा अपराध हुआ, बड़ा पाप हो गया द्वारपाल, अब क्या किया जाए। आप कितनी गलती किए, मैं एक चिड़िया पर गोली मारा, इसका नाम है फूल चुसनी। मैं एक चिड़िया पर मारा, गोली नहीं लगी, डर के मारा मेरे पास आ गई राजकुमार, इसको मैं क्या करूं। अरे छोड़ो, एक तो ऐसे पाप किए हो तुम। छोड़ दिया तो गजब हो गया राजकुमार जी, क्या सोच रहे हैं आप। देखिए जोगी की लाश पर जोगन माँ रो रही है और चल करके अब किए हुए अपराध की क्षमा मांगना चाहिए। जी राजकुमार जी, माँ मेरी गलती को क्षमा कर दो माँ। हे
खता माफ कर दीजे देवी हमारी। खड़ा है सेवक पुजारी, करूं आपकी सेवा मैं जिंदगी भरी, करूं आपकी सेवा मैं जिंदगी भरी, कर दीजे देवी हमारी। चांडाल, मेरे स्वामी ने कौन सी गलती किया जो तूने मेरे स्वामी ऊपर गोली चला दी और कह रहे माफ कर दो? तू हट दूर नजरों से जोगी के कातिल, तू हट दूर, तू हट दूर नजरों से जोगी के कातिल, और नहीं है खता माफ करने के काबिल, नहीं है। सकेगा कभी अपनी मंजिल, कभी अपनी मंजिल, कभी अपनी मंजिल तू पा ना सकेगा। गोली चलाई है जैसे मैं तड़प रही हूं वैसे तू तड़पेगा। माँ, तू अपनी मंजिल भूल जाएगा, अपनी मंजिल कभी नहीं पाएगा। मैंने माँ, मैंने जानबूझ करके बाबा पर गोली नहीं चलाया, मैंने गोली हिरन पर चलाया, लेकिन गोली बाबा के लग गई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। चांडाल, जैसे मैं तड़प रही हूं वैसे तू भी तड़पेगा, तू अपनी मंजिल भूल जाएगा। और जा पापी चंडाल, मैं तुझे श्राप दे रही हूं, तेरे बदल में कौन हो जाए। पापी, बाबा, ये हमारे महाराज का उपदेश था और तुम अन्न नहीं खाते हो, माटी खाते हो। तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा हिरण और मनुष्य में, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा, आँख में पर्दा पड़ा है। जो महाराज ने कह दिया है तू जिंदगी भी अपनी मंजिल भूल जाएगा, दर भर भटकते रहो, तुम्हारे बदन में कौन हो जाएगी। सुन पापी, तुम भी बहुत मूर्ख नादान है, खड़ा जा, मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ। हम लोग जानबूझ के गोली नहीं चला रहे, मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ, तुम्हारे दो बच्चे पागल हो जाएंगे। पापी, बच्चा रामदास। महाराज जी, ले चलो बाबा जी का अंतिम संस्कार करो गुरुदेव। द्वारपाल जी, राजकुमार जी, मैंने विनती किया जोगन माँ से, लेकिन मेरे गुनाह को नहीं माफ किया। जाते जाते क्या श्राप दे के जाओ, तेरे बदल में कोल हो जाएगी, तू अपना नगर, अपना मतल, अपनी मंजिल भूल जाएगा। द्वारपाल, ये कैसे चक्का आ रहा है? द्वारपाल,
ये बताइए ये अपनी मंजिल है किधर, कौन सा रास्ता अपने नगर का है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमार जी हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है और ये पूरे बदन में जलन हो रही है। इधर का किधर चलूं? बहुत जलन हो रही है, या भगवान मैंने कितना बड़ा कौन सा पाप किया प्रभु। अरे बिताऊं किस तरह जीवन, जलन हो रही है, ये तालाब दिखाई रहे, पूरे कपड़े उतार कर मैं तालाब में कूद जाऊं।